नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बीते दो दशकों में संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। आज भारत की मुहिम रंग लाई है और अमेरिका और चीन समेत सभी पांच स्थायी देशों ने भारत के दावे का समर्थन किया है। लेकिन क्या भारत की राह वाकई में आसान है, और अगर नहीं तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे भारत को निपटना होगा? विशेष में आज भारत के हक की बात। तो शुरू करते हैं आरएसटीवी विशेष, सुरक्षा परिषद का हक। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। स्थायी सदस्यता के लिए लंबे समय से मांग कर रहे भारत ने कहा है कि यह 125 अरब लोगों का हक है। तीन देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की जोरदार पैरवी की है, और प्रधानमंत्री की इस बात का दुनिया की कई बड़ी शक्तियों ने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीन देशों के दौरे पर निकले तो एक बार फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं। पहला पड़ाव था फ्रांस का। द्विपक्षीय समझौतों के अलावा जिस अहम बात पर दोनों देश सहमत हुए वो भारत सहित तमाम विकासशील देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग भाषा का इस्तेमाल किया जिसमें मांग की बजाय अधिकार का पुट ज्यादा दिखा। प्रधानमंत्री ने ये साफ किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए शुरू से ही काम करता रहा है, लिहाजा उसे वाजिब हक मिलना चाहिए। शांति के लिए जीने मरने वाला ये देश यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए तरस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले विश्व युद्ध का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बेहतर दुनिया के लिए अपने हितों की परवाह किए बगैर संघर्ष किया है। बदले जमाने में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की है। बीते कुछ सालों से भारत ने इस मांग को लगातार दोहराया है। बदलते दौर में भारत का कद जिस तरह से बढ़ा है उसके बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को भारत अपना हक मानता है। जब विश्व प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी में गुजर रहा है तब ये अवसर है शांति दूतों के सम्मान का, ये अवसर है गांधी और बुद्ध की भूमि को उसका हक देने का। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा, ये देश अपना हक। भारत की दावेदारी पर फ्रांस ने भी मुहर लगाई। फ्रांस सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में शामिल है। फ्रांस ने कहा कि भारत जैसे मुल्क अगर सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बेहतर कदम होगा। Pour qu'elle devienne, pour que ce grand pays devienne membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et puisse être associé comme c'est le cas। बारी बारी से सभी स्थायी देशों ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया, लेकिन ताजा ताजा फ्रांस के समर्थन को जानकार बेहद अहम करार दे रहे हैं। चीन ने भी कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में बड़ी भूमिका निभाने की भारत की इच्छा का समर्थन करता है। मुश्किल ये है कि सालों से बातें आ रही हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन लिप सर्विस और रेटोरिक के अलावा कोई खास कदम P5 ने नहीं उठाया है। जैसे कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ओबामा ने और उनके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी लिप सर्विस तो दिया है कि भारत एक वैसा देश है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल में जरूर होना चाहिए एज अ परमानेंट मेंबर, लेकिन उसके आगे प्रैक्टिकल स्टेप्स में कोई खास स्टेप उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका ने भी कई मौकों पर भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है। 2010 में बराक ओबामा जब पहली बार भारत आए तो भारतीय संसद के भीतर उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि अमेरिका भारत की दावेदारी के साथ खड़ा है। Indeed, the just and sustainable international order that America seeks includes a United Nations that is efficient, effective, credible and legitimate. And that is why I can say today, in the years ahead, I look forward to a reformed United Nations Security Council
That includes India as a permanent member. अमेरिका ने हाल ही में भारत के पक्ष में बयान दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि वो सुरक्षा परिषद में बदलाव के पक्ष में है और इसमें भारत को शामिल करने का अमेरिका खुला समर्थन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी मजबूत तो है, लेकिन साथ ही इसमें कई चुनौतियां भी हैं। स्थायी सदस्यता के लिए दुनिया के कई दूसरे देश भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसके अलावा भारत को अपने विरोधी राष्ट्रों से निपटना भी होगा। आइए देखते हैं भारत के हक के सामने आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ रही हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन ऐसे स्थायी सदस्य हैं जो पहले से ही भारत के दावे को समर्थन देते आ रहे हैं। अमेरिका और चीन भारत का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन पहले अमेरिका और अब चीन ने भी खुलकर भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। यानी सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य भारत का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। देखने में भारत के लिए ये बिल्कुल अनुकूल समय लग रहा है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। स्थायी सदस्यता के लिए भारत के अलावा जर्मनी, जापान और ब्राजील की दावेदारी भी मजबूत है। भारत और इन तीनों देशों ने G4 समूह का गठन इसी मकसद से किया। जो P5 है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता देश थे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। लेकिन भारत का कहना है और मेजॉरिटी कंट्रीज दुनिया के ये मानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल आज जो विश्व है उसका सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल को बदलना चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज और अन्य देश जो हैं उनकी भी एक आवाज हो सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसके डिसीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब पे लागू होती हैं। G4 अपने सभी देशों की स्थायी सदस्यता चाहता है, लेकिन दुनिया के कुछ दूसरे देशों ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। दुनिया के कई देशों और उनके पड़ोसी मुल्कों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण 5 देशों अर्जेंटीना, इटली, कनाडा, कोलंबिया और पाकिस्तान ने G4 की कोशिशों पर पानी फेरने के लिए जुलाई 2005 में यूनाइटेड फॉर कंसेंसस यानी कॉफी क्लब का गठन किया। ये मंच मौजूदा 5 देशों की स्थायी सदस्यता को सुरक्षित रखने का पक्षधर है। इस संगठन का नेतृत्व पाकिस्तान और इटली के हाथ में है और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। जैसे पाकिस्तान है, वो विरोध करता है कि इंडिया को मत बनाए, चाइना विरोध करता है कि जापान को मत बनाए, उधर यूरोप के 2 मेंबर्स हैं, जैसे UK और फ्रांस दोनों मेंबर हैं, उधर जर्मनी भी बनना चाहता है। तो लोग कहते हैं कि भाई यूरोप से 3 क्यों हो, यूरोप को एक दे दिया जाए, यूरोपियन यूनियन के नाम से एक दे दिया जाए। उसमें UK और फ्रांस देखते हैं कि इसमें तो हमारा मतलब P5 का जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगा। G4 की एक दिक्कत ये भी है कि इन 4 देशों में जापान को चीन नहीं चाहता और जर्मनी को फ्रांस और ब्रिटेन नहीं चाहते, इसलिए G4 का अलग अलग स्तर पर गुपचुप विरोध भी देखने को मिलता रहता है। G4 के अलावा दूसरे कॉन्टिनेंट से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें मुश्किलें हैं। जैसे कि अफ्रीका में साउथ अफ्रीका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो रिप्रेजेंट करना चाहती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, लेकिन नाइजीरिया कहती है कि हम सबसे बड़े देश हैं पॉपुलेशन वाइज और उनका GDP भी तेल के वजह से साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा है, हमें होना चाहिए। इजिप्ट एक और देश है जो अफ्रीका के संबंध में मतलब जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो, जो भी इंटरनेशनल इशू हो, उसमें इजिप्ट अपना हाथ लगाना चाहता है। भले ही G4 के बीच एक दूसरे को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले पर समर्थन देने का समझौता हो चुका हो, लेकिन इन देशों को एक दूसरे से भी होड़ करनी पड़ सकती है। G4 में अगर सिर्फ भारत की दावेदारी की बात करें तो एशिया में भारत का मुकाबला जापान से है, जो संयुक्त राष्ट्र को भारी आर्थिक मदद देता है। भारत की तरह ही जापान भी संयुक्त राष्ट्र के कई शांति अभियानों में शामिल रहा है। इसके अलावा अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी जापान को मजबूत दावेदार बनाते हैं। बाकी जो 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 कंट्रीज हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ब्राजील हो, इनसे सबसे ज्यादा अगर दावेदारी किसी की पड़ती है तो भारत की निकल के आती है। और हम जिस तरीके के कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं रीजन में, जिस तरीके का हमने एक कंस्ट्रक्टिव यूनिलेटरलिज्म कि हम अपना विकास तो कर ही रहे हैं लेकिन हम अपने पड़ोसियों का विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमने बांग्लादेश को $1 बिलियन सॉफ्ट लोन दिया, हमने नेपाल को कॉन्स्टेंट हम एड देते हैं। यूरोप में भारत को जर्मनी टक्कर देता है,
विश्व की उभरती शक्तियों में जर्मनी काफी आगे है, लेकिन मौजूदा वक्त में यूरोप से दो देश पहले ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इसलिए जर्मनी पर भारत का पलड़ा भारी लगता है। ब्राजील की दावेदारी भी काफी मजबूत है, क्योंकि कोई भी लैटिन अमेरिकी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। विकासशील देशों में ब्राजील की अच्छी साख है और उसे अमेरिका का अच्छा पड़ोसी भी माना जाता है। वैसे G4 ने वीटो पावर छोड़ने की बात कर स्थायी सदस्यता के महत्व को पहले से ही कम कर दिया है। इस सब के बावजूद दुनिया के बाकी देशों का समर्थन जुटाना भारत के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल करीब 80 देशों ने लिखित रूप में G4 की पहल को समर्थन दिया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में किसी भी सुधार के लिए प्रस्ताव को 192 देशों वाली महासभा से पास कराना होता है। जाहिर है ये इतना आसान नहीं होगा और इसमें अच्छा खासा वक्त भी लगेगा। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी काफी मजबूत है, खासकर बीते दो दशकों में भारत ने स्थायी सदस्यता के लिए काफी मेहनत की। लेकिन यह सुनकर शायद आप चौंक भी जाएंगे कि खुद भारत ने कभी स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग बहुत पुरानी है। पिछले 3 दशकों में कारोबार और तकनीक ने दुनिया को बेहद तेजी से बदला है। भारत समेत दुनिया के कई देश मानते हैं कि सुरक्षा परिषद को भी बदलती दुनिया के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। 1979 में दुनिया के कई देशों के साथ ही भारत ने ये मांग भी की थी कि सुरक्षा परिषद में विस्तार हो, लेकिन हर बार इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। ये नई बात तो है नहीं कि हम चाहते हैं कि हम P5 के मेंबर बने, हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, पर ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि अगर जब रिफॉर्म्स होंगे और सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाया जाएगा और परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा, तो मुझे कोई शक नहीं है कि इंडिया उसमें शामिल जरूर होगा। भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी की कई अहम और वाजिब वजहें हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की कुल जनसंख्या 1.75 अरब के आसपास है, जबकि भारत अकेले 1.25 अरब की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य परमाणु शक्ति संपन्न हैं। भारत की परमाणु संपन्नता उसकी दावेदारी को और पुख्ता बनाती है। आज भारत पूरे विश्व को एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध करा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी उसकी भागीदारी रही है। स्वेज संकट, कांगो, नामीबिया, कंबोडिया और सोमालिया संकट में भारत ने काफी अच्छी भूमिका निभाई। भारत की छवि विश्व भर में एक शांतिप्रिय देश की रही है। इसके अलावा कम प्रतिव्यक्ति आय होने के बावजूद हम निष्पक्ष तौर पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मान और उसकी वित्तीय मदद भी करते आ रहे हैं। जनसंख्या का प्रभुत्व के हिसाब से देखते हैं तो भारत का जो 1/6 पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उस जो कंट्रीब्यूशन है, उस एंगल से भी भारत की दावेदारी आती है। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के आया है कि भारत एक लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है, जो भारत की दावेदारी को सशक्त करता है। इसके अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में बढ़ चढ़कर साथ दिया। भारत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्ली भेदभाव के मुखर आलोचकों में रहा है। 1946 में इस मुद्दे को उठाने वाला भारत पहला देश था। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव के उन्मूलन से जुड़ा कन्वेंशन पारित किया गया, तो भारत उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। भारतवर्ष का दुनिया में शांति के लिए काम, पीस कीपिंग में काम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, इसमें तो बिल्कुल शक नहीं है। और सारी दुनिया ये मानती है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव आए और ये उचित है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये देश भारतवर्ष ना हो। ये सब बातें भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के मजबूत दावेदार के तौर पर पेश करती हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि भारत जिस स्थायी सदस्यता की मांग उठाता रहा है, उसे कभी उसने खुद ठुकरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष, और विशेष में आज बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की मजबूत दावेदारी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की बड़ी शक्तियों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी, लेकिन औपचारिक स्थापना से पहले ही 3 देशों ने मिलकर अपने लिए कुछ अलग अधिकार रख लिया। इन देशों ने तय किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर वो स्थायी तौर पर सदस्य बने रहेंगे। बाद में इस सूची में 2 और देशों को शामिल किया गया, लेकिन औपचारिक तौर पर UN बनने के बाद से किसी भी मुल्क को स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। दुनिया के लिए ये बेहद उथल पुथल का दौर था।
दो खेमों में बटी दुनिया 5 साल से जंग की मार झेल रही थी। लाखों लोगों की जान की कीमत पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। जंग तो खत्म हुई लेकिन तनाव बरकरार रहा। शांति एक ऐसा शब्द था जो उस वक्त किसी भी दौर से ज्यादा मायने रखता था। ऐसे हालात में अमेरिका और यूरोप की बड़ी शक्तियों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मन बनाया। अमेरिका ने 1942 में ही 26 मुल्कों के साथ मिलकर एक समझौता किया और वहीं से संयुक्त राष्ट्र की राह खुली। आखिरकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, लेकिन उससे पहले 4 से 11 फरवरी 1945 के बीच अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस ने यालत्रा सम्मेलन किया। उसमें उस वक्त के 3 सबसे शक्तिशाली नेता शामिल हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत रूस के मार्शल जोसेफ स्टालिन। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का बीज बोया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ कन्वीन्ड। तीनों मुल्क इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर तीनों को वीटो का अधिकार हासिल होगा, यानी तीनों में से कोई भी एक देश किसी भी फैसले को अपने बूते रोक सकता है। जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का ऐलान हुआ तो स्थायी सदस्यों की सूची में 2 और देश, फ्रांस और चीन शामिल किए गए। देखिए 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय यूनाइटेड नेशंस का स्थापना इसलिए हुआ कि दुनिया में शांति हो, डेवलपमेंट हो और कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। जिस चीन को सदस्य माना गया वहां चांग काई शेक की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी सरकार थी, लेकिन 1949 में चीनी गृह युद्ध के बाद नेशनलिस्ट सरकार और उसके समर्थकों को ताइवान खदेड़ दिया गया। चीन की मुख्य भूमि पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ताइवान से चल रही सरकार को ही असली चीन के रूप में मान्यता देता रहा। इस तरह 1971 तक ताइवान ही चीन के रूप में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य रहा। 2798वें घोषणा पत्र के जरिए 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी और तब से मौजूदा चीन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। इसी तरह अक्टूबर 1946 से लेकर 1958 तक फ्रांस में भी सत्ता में बदलाव से 2 बार देश का नाम बदलना पड़ा, लेकिन 1958 से मौजूदा फ्रांस को ही यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य माना जा रहा है। वीटो पावर्स भी रख लिए और परमानेंट, अपने आप को परमानेंट मेंबर्स बना दिया। फिर बाकी लोग उसमें ज्वाइन करते रहे 1945 में जब यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ, अमेरिका में हुआ सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। अब तो 192 मेंबर्स हो गए हैं कि सब लोग उसमें ज्वाइन करें, तो इसलिए वो वाला सिस्टम अभी भी चला आ रहा है, इसीलिए लोग अब उस पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद एक बार फिर बदलाव का दौर आया। रूस को उसके बाद स्थायी सदस्य माना गया, जबकि सोवियत रूस से टूटे देशों को इससे अलग कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के कंधे पर आ गई, क्योंकि वो पांचों दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाले मुल्क थे। बदले दौर में संयुक्त राष्ट्र को 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए गठित किया गया। इनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, सदस्य देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते की बहाली, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निपटारे और मानवाधिकार की रक्षा के अलावा दुनिया के देशों के बीच सद्भाव के लिए केंद्रीय संस्था का निर्माण अहम था। तब से लेकर ये बहस जारी है कि संयुक्त राष्ट्र अपने इन उद्देश्यों में कितना सफल हुआ है और कितना नहीं। जाहिर है बदले दौर में दुनिया के कई मुल्क स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करने लगे हैं, लिहाजा सुरक्षा परिषद में सुधार की बहस ने बीते 2 दशकों में काफी तेजी पकड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। इनमें से कोई भी सदस्य देश किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए काफी है, लिहाजा इन्हें हासिल शक्तियों को लेकर दुनिया भर में बहस होती रही है। आइए देखते हैं कि स्थायी सदस्यों को कौन सी खास शक्तियां मिली हुई हैं और उनका ये देश कैसे इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अगर आप वीटो शब्द तलाशेंगे तो आपको निराशा होगी। चार्टर में कहीं भी वीटो का जिक्र नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि स्थायी सदस्य देशों को ये शक्तियाँ मिली हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 में स्थायी सदस्यों को हासिल शक्तियों का जिक्र है। अनुच्छेद के मुताबिक हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होगा।
सुरक्षा परिषद में भी किसी भी फैसले के लिए 9 देशों की सहमति जरूरी है। सारे स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। सभी 5 देशों की सहमति की व्यवस्था ही उन देशों को वीटो की शक्ति देता है, यानी एक भी असहमत हुआ तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। वीटो पावर कतई डेमोक्रेटिक वे में नहीं होता है। ये पावर प्ले है जो इंटरनेशनल स्टेज पे पावर ग्रेट बड़े बड़े जो मुल्क हैं पावर प्ले हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं या किसी और दूसरे जो दोस्त मुल्क है उसको बचाने के लिए या उसके खिलाफ कुछ ना हो जाए इसलिए वो वीटो करते हैं। शुरुआती दौर में वैचारिक तौर पर सोवियत रूस अलग थलग रहता था, लिहाजा पश्चिमी गठजोड़ से मुकाबले की खातिर उसने जमकर वीटो का इस्तेमाल किया। 1965 तक ज्यादातर वीटो सिर्फ सोवियत रूस ने लगाए। नेटो के 3 सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शीत युद्ध में दोस्त थे, लिहाजा सुरक्षा परिषद के भीतर भी वो एकता दिखाई देती थी। सोवियत रूस उनकी एकता को वीटो के जरिए रोकता रहा। 1955 तक जिन 57 मौकों पर वीटो का इस्तेमाल हुआ वो सारे अकेले सोवियत रूस ने लगाए, लेकिन समीकरण बदले तो फिर इन देशों ने सोवियत रूस से ज्यादा वीटो लगाना शुरू कर दिया। 1966 के बाद 155 में से 133 वीटो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने लगाए। 1972 के बाद सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। रूस इस मामले में दूसरे नंबर पर है। सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिका ने 14 बार, रूस ने 11 बार और चीन ने 8 बार वीटो का इस्तेमाल किया। इस दौरान फ्रांस और ब्रिटेन ने एक भी मौके पर वीटो नहीं लगाया। वीटो का यूनाइटेड नेशन ने नहीं, बेसिकली जो राष्ट्र हैं, जो उनकी अपनी एम्बिशियस जो प्लान्स होते हैं उनमें उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। जैसे कि उदाहरण है कि बांग्लादेश यूएन का मेंबर बनना चाहता था। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, 1974 तक यूएन का मेंबर नहीं बना। चाइना ने बार बार वीटो किया क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभा रहा था। तो ये जो पर्सनल इक्वेशंस हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो इसमें रुकावट। 1990 के बाद जब दुनिया में शक्ति का केंद्र बदला और अमेरिका बिना किसी चुनौती के सबसे मजबूत गढ़ में तब्दील हुआ तो वीटो के इस्तेमाल पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया। 3 साल तक यानी 31 मई 1990 से लेकर 11 मई 1993 के बीच वीटो का एक भी मामला सामने नहीं आया। सुरक्षा परिषद में ये बड़ा अंतराल है जब किसी सदस्य देश ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि शुरू से ही देखें तो ज्यादातर वीटो मध्य पूर्व के देशों को लेकर लगाए गए हैं, यानी नेटो ग्रुप और साम्यवादी समूहों ने अलग अलग विदेश नीति के चलते एक दूसरे के कदम का विरोध किया। फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे पर तो अमेरिका ने 50 से ज्यादा मौकों पर वीटो का इस्तेमाल किया। वो एक उनके फॉरेन पॉलिसी का एक एक, एक हाथ बन जाता है। इजराइल के ऊपर कुछ भी अगर डिक्लेरेशन आए पैलेस्टीनियन कॉज के ऊपर तो वीटो हो जाता है बाय द यूएस। कोल्ड वॉर के जमाने में यूएस और उस जमाने का सोवियत यूनियन वीटो का इस्तेमाल हमेशा करते थे। वीटो के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समय समय पर आलोचनाएं भी होती रही, लेकिन सिलसिला बदस्तूर जारी है। आखिरी वीटो का इस्तेमाल 22 मई 2014 को मध्य पूर्व और सीरिया को लेकर चीन और रूस ने लगाया। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 सदस्य देश और होते हैं, लेकिन हर 2 साल बाद उन्हें बदल दिया जाता है। इसलिए 10 अस्थायी देशों के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती जिनके जरिए वो किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सके। हालांकि स्थायी और अस्थायी मिलाकर 15 सदस्य हैं। किसी भी प्रस्ताव पर उनमें से 9 की सहमति जरूरी है, इसलिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एकजुट होकर अस्थायी देश भी बिग 5 के फैसले को रोक सकते हैं। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।